गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम शिल्पा माखरिया फ्रॉम आदर्श पाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, योर साइंस टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 5, जो हमारा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसे कंटिन्यू करेंगे हम। इन दिस चैप्टर वी हैव रीड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड एंड बेसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि सम मटेरियल आर सॉर इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे होते हैं। सम आर बिटर इन टेस्ट, जो है कड़वे होते हैं टेस्ट में। इस कॉल्ड जो सॉल्ट सब मटेरियल इज कॉल्ड एसिड, जो खट्टे पदार्थ हैं वो एसिड कहलाते हैं। एंड बिटर सब्सटेंस इज कॉल्ड ए बेसिस, जो कड़वे पदार्थ होते हैं मटेरियल वो क्या कहलाते हैं, बेसिस कहलाते हैं। नाउ स्टूडेंट ओपन योर बुक। यस मैम, हमारे पास चैप्टर 4 की पीडीएफ नहीं है। तो आप किसी बच्चे से ले लो बेटा, और बीच में मत बोलो, लास्ट में आपसे पूछा जाता ना तब बोलेंगे आप, है ना? ठीक है, लास्ट में आपसे पूछेंगे तब क्लियर करना बेटा, जो भी आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, क्लियर। नेक्स्ट है अपना जो है आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने एसिड का पेड़ लिया था, अब है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स होता है उदासीनीकरण की क्रिया। मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज उदासीनीकरण। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट में ना तो सोर होते हैं ना बिटर होते हैं, इट मीन्स ना तो वो खट्टे होते हैं ना ही वो कड़वे होते हैं। तो दिस सब्सटेंस वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। उनका टेस्ट ना तो वो खट्टा होता है ना मीठा होता है, टेस्टलेस जो सब्सटेंस होते हैं न्यूट्रल उदासीन उनका टेस्ट होता है। तो जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या होती है, तो इसमें जो है एसिड, एसिड कौन सा होता है अपना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपन फुल लिखेंगे तो ज़्यादा होगा, तो इसलिए अपन जो है साइंस में रिएक्शन में क्या करते हैं, इनके सिंबल यूज में लेते हैं। ठीक है, सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे कि किसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल HCl, क्लियर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप को अपन जो है इतना ही लिख देते ना, व्हाट एप बस, तो वैसे ही इनका भी क्या है, सिंबल ही यूज में लिया जाता है रिएक्शन में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है, एसिड इसका नाम में आ रहा है। तो यह एसिड जो है रिएक्ट करता है बेसिस से, बेसिस क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका NaOH का नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम एन ए और ओ एच है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये जो है आपस में रिएक्ट करके, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोडियम सॉल्ट। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। या जो N है वह किससे रिएक्ट करेगा, इस Cl से, Cl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl। NaCl मीन्स सॉल्ट, यह बना लेगा सॉल्ट एंड वाटर यह बनाएगा, और ये जो है वाटर का सिंबल होता है। सॉल्ट जो आप घरों में यूज में लेते हैं ना, नमक अपन खाने में डालते हैं, वो क्या होता है, सॉल्ट ही होता है वो भी, और इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्योंकि सोडियम और क्लोरीन से यह मिलकर बना हुआ होता है। तो सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, टेस्ट में खट्टा या कड़वा होता है क्या, नहीं, वो टेस्टलेस होता है। तो यह जो प्रोसेस है जिसमें एसिड बेसिस से रिएक्ट करके दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। जो हमारा सब्सटेंस बन रहा है, न्यूट्रल जो सब्सटेंस बन रहा है, वो टेस्ट में ना तो सोर होता है ना ही बिटर होता है, वह क्या होता है, न्यूट्रल होता है जो सब्सटेंस। तो इसलिए इस प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यह प्रोसेस कहलाती है उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है, जिसमें एसिड और बेस दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को, प्रभाव को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। डेली यूजेस में जो है न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हम सभी में काफ़ी हम उसका यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो अपन इसमें देखेंगे। तो देखिए पहले आप स्टूडेंट्स पेज नंबर
ओपन टू योर बुक पेज नंबर 54 पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. हम सभी ने देखा है कि जो एसिड है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, सॉरी ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, जबकि बेसिस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड मिक्स विद ए बेस. अब हम देखते हैं क्या होगा जब हम एसिड और बेस दोनों को एक दूसरे में क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे. एसिड और बेस दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है. वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार. इट इज कॉल्ड फिनोफ्थेलिन. और इसमें जो है फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर का यूज में भी लेते हैं. इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, अपन ने देखा है प्रीवियस क्लास में कि दो सब्सटेंस आर क्लियर देयर आवर मटेरियल इज एसिड या बेस. की वे पदार्थ जो हमें बताते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है एसिड है या बेस है, दो सब्सटेंस आर कॉल्ड इंडिकेटर, वो सब्सटेंस इंडिकेटर्स कहलाते हैं. एक्टिविटी 5.5 टू बी डिमॉन्स्ट्रेट बाई टीचर इन द क्लास. फिल 1/4 टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हम जो है एक्टिविटी देखेंगे आप, ताकि एक्टिविटी से आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए. यहाँ पे भी अपने रिएक्शन से देखा है कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं, अब हम एक्टिविटी से देखेंगे. यहाँ हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे. टेस्ट मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. किसको नहीं आ रही है हमारी आवाज, सभी को नहीं आ रही क्या बेटा? मैम को तो आ रही है. दीन बंधु को आ रही है. दिव्या आपको आ रही है क्या आवाज? यस मैम. तो जिसको नहीं आ रही बेटा वो अपनी सेटिंग देखो, बाकी सबको आ रही है बेटा. टेस्ट ट्यूब क्या होता है बेटा, एक कांच की परख नली होती है, इस टाइप्स की है ना, ग्लास की बनी हुई होती है. जब भी आप साइंस लैब में अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हम आप इनका यूज करेंगे. ये क्या होगी, टेस्ट ट्यूब जो की ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब परखनली जिसको बोलते हैं. इसमें क्या करेंगे हम, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. डाइल्यूट मीन्स इसमें वाटर ऐड करा हुआ है. ये क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें हम लेंगे. हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वाटर ऐड कर देंगे. नोट डाउन इट्स कलर, नोट द कलर ऑफ फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन ऑल्सो. इसमें का कलर देखेंगे और उसके बाद इसमें जो है 2-3 ड्रॉप्स जो है किसकी डालेंगे, इंडिकेटर्स फिनोफ्थेलिन की डालेंगे एसिड में. नो शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज कलर विथ एसिड. किसमें जब फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर्स की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे हैं तो कौन सा कलर इसमें बनता है. तो हमने देखा था कि जो फिनोफ्थेलिन है जो इंडिकेटर्स फिनोफ्थेलिन क्या वर्क करता है, इंडिकेटर्स जो है सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देता है. तो जैसे ही हम इसमें फिनोफ्थेलिन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे तो हमारे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है. तो नो शेक द ट्यूब जेंटली. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड. तो क्या हम जब इसमें फिनोफ्थेलिन डालते हैं तो कुछ कलर चेंज होता है. एड द एसिडिक सॉल्यूशन एंड ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर. ड्रॉपर से जो है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेसिस डालेंगे. तो बेसिस एसिड में जैसे ही आप इंडिकेटर्स डालेंगे फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर्स तो इसका कलर क्या हो जाता है, पर्पल कलर या दिखा देता है. क्लियर, पर्पल कलर शो कर रहा है फिनोफ्थेलिन के साथ. इट मींस हमारा सॉल्यूशन क्या है, एसिड है, एसिड नेचर का है. फिर जैसे ही इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिस है, डालेंगे तो डालते ही इसका जो पर्पल कलर है वो क्या हो जाता है, दोबारा यह सॉल्यूशन हमारा कलरलेस हो जाएगा. इट मीन्स जो बेसिस है एसिड से रिएक्ट करके इसके इफेक्ट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है. देखिए बुक में, इफ देयर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन, कि जैसे ही आप सॉल्यूशन में कलर डालेंगे क्या होगा, कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ स्टेयरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर. तो हमें जो है पिंक कलर दिखाई देता है. नो एड वन और मोर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस. फिर हमारा जो सॉल्यूशन है वह एक पॉइंट पे क्या हो जाता है, दोबारा कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर नहीं होगा. अगेन वन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर दोबारा हम उसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप डालेंगे. तो इफ देयर एनी चेंजेस इन कलर द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक कलर. दोबारा हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो इसका पिंक कलर आ जाता है. इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेसिक
फिनोफ्थलिन गिवन एज ए पिंक कलर, कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमारा बेस है और उसमें फिनोफ्थलिन ऐड करेंगे तो बेसिस जो है फिनोफ्थलिन के साथ क्या देगा, पिंक कलर देता है। इट इज सॉरी व्हेन सॉल्यूशन इज एसिड इट रिमेक कलरलेस, और जैसे ही यह एसिड होगा सॉल्यूशन में एसिड की क्वांटिटी होती है वह कलरलेस हो जाता है। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स विद बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इच अदर। अंडरलाइन करेंगे यहाँ से कि जब एसिड सॉल्यूशन में मिक्स विद बेस सॉल्यूशन, एसिड में बेस मिलाया जाता है, यहाँ पर भी हमने यही किया है, एसिड जो है हमारा उसमें बेसिस को आप मिलाओगे तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन ना तो एसिड होगा नहीं बेस होगा, वह न्यूट्रल उदासीन हो जाएगा। बट द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इच अदर, देन एसिड सॉल्यूशन एंड बेसिस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन सुटेबल अमाउंट, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड द बेसिक नेचर बेस आर डिस्ट्रॉय, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिड और नॉर बेसिक, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और इन ना तो एसिड होगा नहीं बेस होगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, और ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होगी, टेस्ट ट्यूब हमारी गर्म हो जाती है, इट मीन्स इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, उष्मा निकलती है। द इवॉल्व हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, अब यहाँ पर जो है डेफिनेशन आपकी, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने अभी आपको रिएक्शन करके बताई थी कि नया सब्सटेंस बनता है जिसे सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट में भी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, सॉल्ट जो होता है जो न्यूट्रल होता है ना एसिड ना बेसिस। थस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड फॉलोज, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, की एसिड और बेसिस के बीच में जो रिएक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण की क्रिया बोलते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस इवोल्यूशन ऑफ हीट, इसमें जो है सॉल्ट और वाटर बनता है और हीट निकलती है, एसिड प्लस बेसिस सॉल्ट एंड वाटर। द फॉलोइंग रिएक्शन इन एग्जाम्पल, ये भी मैंने आपको बता दिया था, अभी दोबारा बता देती हूँ, चलो आपकी इसमें आया है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके कैसे सॉल्ट का फॉर्मेशन करती हैं। HCl हमारा एसिड है प्लस NaOH हमारा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपस में दोनों को जब मिक्स करेंगे तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल बन देंगे, N जो है Cl से क्रिया करके NaCl बना लेगा रिएक्शन करके, और HOH मिलकर वाटर बना लेंगे, सॉल्ट जो है नाइदर एसिड नाइदर नॉर बेस, या एसिड और बेस दोनों नहीं होता, और ये वाटर जो है बना लेता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करके क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब हमारे डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ इनका यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, बूझो ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन टू लाइम वाटर विथ रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल। अब है हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ मीन्स दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ आप इसका यूज़ करते हैं, आप दैनिक जीवन में बहुत सारी जगह इनका यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं होता है। फर्स्ट है इनडाइजेशन, डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का इन डाइजेशन, डाइजेशन आपने पढ़ा है, डाइजेशन मींस होता है पाचन, और इनडाइजेशन मींस होता है अपच, कई बार बोलते हैं ना हमारे अपच हो गई है, एसिडिटी हो गई है पेट में, जो खाया हुआ भोजन है वो पचता नहीं है, तो इनडाइजेशन मींस अपच, जिसमें फूड जो है फूड नहीं पचता हमारा, यह अपच जिसको बोलते हैं अपाचन या अपच। तो उस समय क्या करते हैं, आपका पेट दुखता है, एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, तो पेट में पेन होने लग जाता, दर्द होने लग जाता ना, तो फिर क्या करते हैं ऐसे में आप कोई टेबलेट लेते हैं, कोई लेमन जूस लेता है ना, कुछ हीनो लेते हैं, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हम लेते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि जब हम एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा खा लेते हैं खट्टी चीज़ें, या हमारे स्टमक से एसिड का एक्स्ट्रा अमाउंट रिलीज होने लगता है,
हमें क्या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और जैसे ही आप इनो लेते हो या नमक नींबू लेते हो या आप कोई भी टेबलेट लेते हो, तो वो क्या होती है, बेसिस का वर्क करती है और हमारे एसिड के इफेक्ट को क्या कर देती है, वो कैंसल कर देती है जैसे ही टेबलेट लेते हो। तो टेबलेट लेने के बाद हम ठीक हो जाते हैं। देखिए, आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे जो स्टमक में से किसका सिक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है। इट हेल्प अस टू डाइजेशन ऑफ फूड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, डाइजेशन मीन्स पाचन, पचाता है किसको, फूड को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करना मीन्स पचाना। भोजन को पचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एस यू हैव लर्न इन चैप्टर टू, बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। पर जब एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट में एसिड का सिक्रेशन होता है, तो वह किसका कारण बन जाता है, इंडाइजेशन, अपच का कारण बन जाता है। समटाइम इंडाइजेशन इज पेनफुल। पेनफुल मीन्स दर्द का कारण। पेन मीन्स होता है दर्द। कभी कभी क्या होता है, इससे हमें दर्द भी होने लग जाता है। पेन मीन्स दर्द होना। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक ए एंटासिड सच ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इससे रिलीव मीन्स आराम के लिए, पेट के दर्द से हमें आराम मिलने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टेबलेट लेते हैं, गोली लेते हैं, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कंटेन कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस होता है, कंटेन होता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सिस एसिड। और वो क्या करते हैं, एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और हमारा पेट का दर्द बंद हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ देखा है। हमारे जब इंडाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है या अपच हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, तो जैसे ही हम बेसिस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टेबलेट वगैरह लेते हैं, तो हमारा पेन ठीक हो जाता है। वो क्या करता है, हमारे एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और हमारे जो है लिक्विड को न्यूट्रल कर देता है, स्टमक के सॉल्यूशन को, जिससे हमें दर्द की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। नेक्स्ट है एंट बाइट। आंट चींटी काटती है आप सभी को, काटती तो क्या होता है, एक फफोला सा दफड़ सा आ जाता है उसके काटते ही। वो क्यों आ जाता है, क्योंकि जो आंट होती है जब काटती तो हमारी स्किन में क्या कर देती है, एसिड का सिक्रेशन कर देती है, एसिड का अमाउंट हमारी स्किन में डाल देती है, जिसके कारण हमारी स्किन पे क्या आ जाता है, फफोला आ जाता है। देखिए, व्हेन एन एंट बाइट्स, जब भी आंट जो है चींटी हमें खाती है, इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड। वह हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड का कुछ अमाउंट डाल देती है इनटू द स्किन। दिस इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। और इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या, बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा घर में होता है, उससे अगर आप इसको रबिंग करेंगे, रगड़ेंगे, तो यह ठीक हो जाएगा। और कैलियम केलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, इनका आप अगर अपन यूज करते हैं, खाए हुए चींटी खा जाती है उसके ऊपर, तो वह ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपना सॉयल ट्रीटमेंट। और कहाँ इसका यूज होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, सॉइल ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट मीन्स उपचार किसका, सॉइल मीन्स मिट्टी का। सॉइल ट्रीटमेंट मिट्टी के उपचार में। अब मिट्टी का उपचार कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो देखिए आप, कोई करता है क्या। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। कि जब भी हम फसल वगैरह उगाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारी सॉइल में एसिड का इफेक्ट जो है, एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और हमारी सॉइल एसिड हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल द सॉइल आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर हमारी जो सॉइल है एसिड है या बेसिस है, तो हमारे प्लांट क्या प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेंगे। वैन द सॉइल इज टू एसिडिक इज द ट्रीटेड विथ बेसिड लाइक क्विक लाइम और सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमारी सॉइल एसिडिक है, तो उसमें हम जो है चूने का या चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके उसकी एसिड की क्वांटिटी को ख़त्म कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, इसमें कंपोस्ट जो गोबर की खाद होती है, कैटल डंग, इनको वो ऐड करके अपन इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। रिलीज ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विथ न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर टू द सॉइल। और ऑर्गेनिक जो मैटर है वो भी क्या कर देते हैं, हमारी सॉइल को क्या करते हैं,
बेस न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्री वेस्ट है इंडस्ट्रियों से जो वेस्ट वाटर लिक्विड वगैरह निकलता है वो भी क्या होता है, उसे भी न्यूट्रलाइज किया जाता है। वहां पर भी कैसे क्या करते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वेस्ट, जो फैक्ट्री या अपशिष्ट, वेस्ट मीन्स नॉन यूजफुल या अपशिष्ट पदार्थ, जो कि किसी यूज में नहीं होते हैं। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, वेस्ट मीन्स जो फैक्ट्री वालों के किसी भी काम का नहीं होता है। घर पे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, किचन में चाय वगैरह बनाते हैं, तो सब्जी के छिलके वगैरह हमारे लिए क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं ना। हमारा यूजफुल होता है क्या उसके फ्रूट्स के छिलके वगैरह, नहीं होता ना, फ्रूट पिल्स वगैरह। तो वैसे ही जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है, जो फैक्ट्री में किसी तरह का काम में नहीं होता, उसमें क्या होती है, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश और अदर ऑर्गेनिज्म। अगर इन्हें इस एसिड वेस्ट को इंडस्ट्रीज से जो निकल रहा है हम डायरेक्ट पानी में जाने देते हैं, पानी में कहाँ, रिवर नदी में पौंड तालाब में जाने देते हैं, तो वहाँ पर उस पानी में क्या होगा, ये पानी एसिड की क्वांटिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो वहाँ पर जो भी प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं, सबको पता है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, फिश टॉर्टोइस ये सभी क्या है, पानी में रहते हैं। तो जब एसिड की क्वांटिटी वाटर में बढ़ जाएगी तो ये क्या होंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसे में क्या किया जाता है, फैक्ट्री वेस्ट को रिलीज करने से पहले उन्हें क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है, उनमें बेसिस मिलाकर उसका एसिड के इफेक्ट को कैंसिल किया जाता है, ताकि वह पानी जब नदी और तालाब में जाए तो वहाँ पर उनसे कोई किसी को किसी तरह का हानि ना हो। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब है इसमें व्हाट यू हैव लर्न्ड, समरी देख लीजिए। एसिड आर सॉर इन टेस्ट, एसिड क्या होते हैं टेस्ट में, सॉर मीन्स खट्टे होते हैं, जनरली बेसर आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच, और बेसिस क्या होते हैं, बिटर मीन्स कड़वे होते हैं टेस्ट में और टच में सॉपी होते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिड नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल, और जो सब्सटेंस एसिड और बेसिस दोनों नहीं होते वो न्यूट्रल कहलाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिड बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, और वो सॉल्यूशन जो एसिड बेसिस के साथ अलग अलग कलर्स देते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रलाइजर इंडिकेटर्स कहलाते हैं। एन एसिड एंड बेसिस न्यूट्रलाइजेशन ईच अदर इफेक्ट फ्रॉम ए सॉल्ट, एट में सॉल्ट में भी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, जो एसिड और बेसिस से आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, और सॉल्ट के साथ क्या है, यह एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आप सभी अपने अपने माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए, किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड, माइक कैमरा ऑन कीजिए सभी अपना। दीन बंधु, इशिता, दिव्य, कोई डाउट बेटा? नो मैम, नो मैम। अब किसको पास पीडीएफ नहीं, किसने बोला था अभी, क्या दिक्कत है बेटा? मैम हमारे पास चैप्टर 4 की पीडीएफ नहीं है। नाम बोलो। दीन बंधु अग्रवाल। दीन बंधु, ठीक है बेटा, आपको सेंड कर देंगे। और किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो मैम। मैम मेरे पास भी नहीं, तो फिर आप ग्रुप में से मैं मेरे पास बेटा ग्रुप में सेंड करा था, तब कहाँ गए थे आप लोग? मैं आई नहीं ग्रुप में। कौन, नाम बोलो। दिव्या। दिव्या कहाँ गया था, तुझे तो उस प्रेजेंट आ रही है, तो अभी सेंड कर देंगे। और कुछ पूछना है क्या इस चैप्टर से रिलेटेड किसी को? नो मैम। समझ में आ गया टीचर? यस मैम, समथिंग इज रॉन्ग। ओके बाय। मैम आई, मैम हां, मैम आई नोटबुक चेक होगी क्या? हां हो गई बेटा, नोटबुक इतना मत छोड़ा करो, आफ्टर 2-3 डेज ले जाया करो, 2-3 दिन बाद में, ठीक है ना? ओके मैम।